नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मोटरसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं और मोटरसाइकिल का इतिहास और मोटरसाइकिल का आविष्कार। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एक मोटरसाइकिल, जिसे अक्सर मोटरबाइक, बाइक या साइकिल कहा जाता है, एक दो या तीन पहियों वाला मोटर वाहन है। विभिन्न उद्देश्यों की एक श्रृंखला के अनुरूप मोटरसाइकिल डिजाइन बहुत भिन्न होता है। लंबी दूरी की यात्रा, यात्रा, क्रूजिंग, खेल, रेसिंग सहित और ऑफ रोड सवारी, मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल की सवारी करना और अन्य संबंधित सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, जैसे मोटरसाइकिल क्लब में शामिल होना और मोटरसाइकिल रैलियों में भाग लेना है। जर्मनी में गॉटलिब डैमलर और विल्हेम मेबेक द्वारा बनाई गई 1885 डैमलर रीटवेगन पहली आंतरिक दहन पेट्रोलियम ईंधन वाली मोटरसाइकिल थी। 1894 में हिल्डेब्रांड और वोल्फमुलर पहली श्रृंखला उत्पादन मोटरसाइकिल बन गए। 2014 में मात्रा के हिसाब से विश्व स्तर पर तीन शीर्ष मोटरसाइकिल निर्माता होंडा 28%, यामाहा 17%, दोनों जापान से, और हीरो मोटोकॉर्प भारत थे। विकासशील देशों में कम कीमतों और अधिक ईंधन अर्थव्यवस्था के कारण मोटरसाइकिलों को उपयोगितावादी माना जाता है। दुनिया में सभी मोटरसाइकिलों में से 58% एशिया प्रशांत और दक्षिणी और पूर्वी एशिया क्षेत्रों में हैं। कार केंद्रित जापान को छोड़कर अमेरिकी परिवहन विभाग के अनुसार प्रति वाहन मील की यात्रा के लिए घातक संख्या 37 गुना अधिक थी। कारों की तुलना में मोटरसाइकिल प्रकार, अधिकार क्षेत्र के आधार पर मोटरसाइकिल की अलग अलग कानूनी परिभाषाएं हैं। देखें कानूनी परिभाषाएं और प्रतिबंध। तीन प्रमुख प्रकार की मोटरसाइकिलें हैं, सड़क, ऑफ रोड और दोहरे उद्देश्य। इन प्रकारों के भीतर विभिन्न प्रयोजनों के लिए कई उप प्रकार की मोटरसाइकिलें हैं। अक्सर प्रत्येक प्रकार के रेसिंग समकक्ष होते हैं, जैसे सड़क रेसिंग और सड़क बाइक या गंदगी बाइक सहित मोटोक्रॉस। स्ट्रीट बाइक में क्रूजर, स्पोर्ट बाइक, स्कूटर और मोपेड और कई अन्य प्रकार शामिल हैं। ऑफ रोड मोटरसाइकिलों में मोटोक्रॉस जैसे गंदगी उन्मुख रेसिंग वर्गों के लिए डिजाइन किए गए कई प्रकार शामिल हैं और अधिकांश क्षेत्रों में सड़क कानूनी नहीं है। डुअल स्पोर्ट स्टाइल जैसी दोहरे उद्देश्य वाली मशीनों को ऑफ रोड जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उन्हें सड़क पर भी कानूनी और आरामदायक बनाने के लिए सुविधाएं शामिल हैं। प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन या तो विशेष लाभ या व्यापक क्षमता प्रदान करता है और प्रत्येक डिजाइन एक अलग सवारी मुद्रा बनाता है। कुछ देशों में पिलर, पीछे की सीटों का उपयोग प्रतिबंधित है। इतिहास, प्रयोग और आविष्कार। पहला आंतरिक दहन पेट्रोलियम ईंधन से चलने वाली मोटरसाइकिल डैमलर रीटवेगन थी। इसे 1885 में जर्मनी के बैड कैंस्टेट, जर्मनी में जर्मन आविष्कारकों गॉटलिब डैमलर और विल्हेम मेबेक द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह वाहन उस युग की सुरक्षा साइकिल या बोनशेकर साइकिल के विपरीत था, जिसमें इसमें स्टीयरिंग अक्ष कोण की 0 डिग्री थी और कोई कांटा नहीं था, ऑफसेट, और इस प्रकार लगभग 70 साल पहले विकसित साइकिल और मोटरसाइकिल गतिशीलता के सिद्धांतों का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय यह मुड़ते समय सीधे रहने के लिए दो आउटरिगर पहियों पर निर्भर था। आविष्कारकों ने अपने आविष्कार को रीटवेगन सवारी कार कहा। यह एक सच्चे प्रोटोटाइप वाहन के बजाय उनके नए इंजन के लिए एक समीचीन परीक्षण के रूप में डिजाइन किया गया था। स्वचालित चक्र के लिए पहला व्यावसायिक डिजाइन बटलर पेट्रोल साइकिल नामक एक तीन पहिया डिजाइन था।
जिसकी कल्पना 1884 में इंग्लैंड में एडवर्ड बटलर ने की थी। उन्होंने 1884 में लंदन में स्टेनली साइकिल शो में वाहन के लिए अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किया। वाहन 1888 में ग्रीनविच में मैरीवेदर फायर इंजन कंपनी द्वारा बनाया गया था। बटलर पेट्रोल साइकिल एक तीन पहियों वाला वाहन था, जिसका पिछला पहिया सीधे 5/8 HP 0.47 किलोवाट 40 cc 2.4 घन इंच विस्थापन द्वारा संचालित होता था। 2 1/4 इंच 5 इंच 57 मिलीमीटर 127 मिलीमीटर बोर स्ट्रोक फ्लैट ट्विन 4-स्ट्रोक इंजन कॉइल और बैटरी द्वारा प्रतिस्थापित मैग्नेटो इग्निशन के साथ रोटरी वाल्व और एक फ्लोट फेड कार्बोरेटर 5 साल से सुसज्जित है मेबैक से पहले और एकमैन स्टीयरिंग जो उस समय अत्याधुनिक थे। शुरुआत संपीड़ित हवा से हुई थी। इंजन लिक्विड कूल्ड था जिसमें रियर ड्राइविंग व्हील पर रेडिएटर लगा था। गति को थ्रॉटल वाल्व लीवर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं लगाया गया था। पैर से चलने वाले लीवर का उपयोग करके पिछले ड्राइविंग व्हील को ऊपर और नीचे करके वाहन को रोका गया था। तब मशीन का भार 2 छोटे अरंडी के पहियों द्वारा वहन किया जाता था। चालक आगे के पहियों के बीच बैठा था। हालांकि यह एक सफलता नहीं थी, क्योंकि बटलर को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिली। कई अधिकारियों ने भाप से चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या डीजल से चलने वाले दो पहिया वाहनों को मोटरसाइकिल की परिभाषा से बाहर रखा है और डैमलर रीटवेगन को श्रेय दिया है। दुनिया की पहली मोटरसाइकिल। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के उपयोग में तेजी से वृद्धि को देखते हुए 18 केवल आंतरिक दहन चालित दो पहिया वाहनों को मोटरसाइकिल के रूप में परिभाषित करना तेजी से समस्याग्रस्त है। जर्मन रीटवेगन की तरह पहली पेट्रोलियम ईंधन वाली आंतरिक दहन मोटरसाइकिलें हालांकि पहली व्यवहारिक मोटरसाइकिल भी थी। यदि भाप प्रणोदन वाले दो पहिया वाहन को मोटरसाइकिल माना जाता है तो निर्मित पहली मोटरसाइकिल फ्रांसीसी प्रतीत होती है मिचो पेरो स्टीम वेलोसिपेड, जिसका पेटेंट आवेदन दिसंबर 1868 में भरा गया था। उसी समय के आसपास अमेरिकी रोपर स्टीम वेलोसिपेड के रूप में बनाया गया था, जिसे सिल्वेस्टर एच रोपर रॉक्सबरी मैसाचुसेट्स द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने 1867 में पूर्वी यूएस में मेलों और सर्कसों में अपनी मशीन का प्रदर्शन किया। 8 रोपर ने 1860 के दशक से 1896 में अपनी मृत्यु तक लगभग 10 भाप कारों और साइकिलों का निर्माण किया। पहली मोटरसाइकिल कंपनियां 1894 में हिल्डेब्रांड और वोल्फमुलर पहली श्रृंखला उत्पादन मोटरसाइकिल बन गए और पहली बार मोटरसाइकिल जर्मन मोटरराड कहा जाने लगा। एक्सेलसियर मोटर कंपनी, जो मूल रूप से इंग्लैंड के कोवेंट्री में स्थित एक साइकिल निर्माण कंपनी है, ने 1896 में अपने पहले मोटरसाइकिल मॉडल का उत्पादन शुरू किया। अमेरिका में पहली उत्पादन मोटरसाइकिल ओरिएंट एस्टर थी, जिसे 1898 में चार्ल्स मेट्स ने वॉल्थम में अपने कारखाने में बनाया था। मैसाचुसेट्स मोटरसाइकिल के इतिहास के शुरुआती दौर में साइकिल के कई उत्पादकों ने नए आंतरिक दहन इंजन को समायोजित करने के लिए अपने डिजाइनों को अनुकूलित किया। जैसे जैसे इंजन अधिक शक्तिशाली होते गए और डिजाइनों ने साइकिल की उत्पत्ति को आगे बढ़ाया, मोटरसाइकिल उत्पादकों की संख्या में वृद्धि हुई। 19वीं सदी के कई अन्वेषक जिन्होंने शुरुआती मोटरसाइकिलों पर काम किया था अक्सर अन्य आविष्कारों पर चले गए। उदाहरण के लिए डैमलर और रोपर दोनों ने ऑटोमोबाइल का विकास किया। 19वीं शताब्दी के अंत में पहली बड़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन फर्मों की स्थापना की गई। 1898 में इंग्लैंड में ट्रायफ मोटरसाइकिल ने मोटरबाइक का उत्पादन शुरू किया और 1903 तक यह 500 से अधिक बाइक का उत्पादन कर रहा था।
अन्य ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड, नॉटन, डगलस मोटरसाइकिल और बर्मिंगहम स्मॉल आर्म्स कंपनी थी, जिन्होंने क्रमशः 1899, 1902, 1907 और 1910 में मोटरबाइक का उत्पादन शुरू किया था। भारतीय ने 1901 में उत्पादन शुरू किया और दो साल बाद हार्ले डेविडसन की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने तक दुनिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता भारतीय था, जो प्रति वर्ष 20,000 से अधिक बाइक का उत्पादन करता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रंट लाइन सैनिकों के साथ प्रभावी संचार की आपूर्ति के युद्ध के प्रयास के लिए मोटरबाइक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी। घोड़ों पर संदेशवाहकों को संदेश ले जाने वाली मोटरसाइकिलों पर प्रेषण सवारों के साथ बदल दिया गया, टोही का प्रदर्शन किया गया और एक सैन्य पुलिस के रूप में कार्य किया गया। अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन युद्ध के अंत तक अपने कारखाने के उत्पादन का 50% से अधिक सैन्य अनुबंध के लिए समर्पित कर रही थी। ब्रिटिश कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने युद्ध के दौरान अपने ट्रायम्फ टाइप एच मॉडल के 30,000 से अधिक सहयोगी बलों को बेच दिए। एक बैल द्वारा संचालित रियर व्हील के साथ मॉडल एच को 499 सीसी 30.5 घन मीटर एयर कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ लगाया गया था। यह बिना पैडल वाली पहली ट्रायम्फ भी थी। बेहतर स्रोत की जरूरत, विशेष रूप से मॉडल, कई लोगों द्वारा पहली आधुनिक मोटरसाइकिल के रूप में माना जाता है। 1915 में पेश किया गया इसमें 550 सीसी का साइड वाल्व 4-स्ट्रोक इंजन था, जिसमें 3-स्पीड गियरबॉक्स और बेल्ट ट्रांसमिशन था। यह अपने उपयोगकर्ताओं के बीच इतना लोकप्रिय था कि इसे भरोसेमंद ट्रायम्फ का उपनाम दिया गया। युद्ध के बाद 1920 तक हार्ले डेविडसन सबसे बड़ा निर्माता था, जिसकी मोटरसाइकिल 67 देशों में डीलरों द्वारा बेची जा रही थी। कई ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माताओं के बीच चेटरली अपने जुड़वां सिलेंडर मॉडल के साथ 1920 के दशक में इसके बड़े एकल के साथ बाहर खड़ा था। प्रारंभ में परिवर्तित वुडमैन डिजाइन किए गए ओएचवी ब्लैकबर्न इंजन का उपयोग करते हुए यह अप्रैल 1924 के दौरान उड़ान किलोमीटर पर 100.81 मील प्रति घंटे 162.24 किलोमीटर घंटा रिकॉर्ड करते हुए 100 मील प्रति घंटे 160 किलोमीटर घंटा से अधिक होने वाला पहला 350 सीसी बन गया। बाद में चेटरली फर्म के लिए 102.9 मील प्रति घंटे 165.6 किलोमीटर घंटा पर 350 सीसी और 500 सीसी मोटरसाइकिल के लिए उड़ान किलोमीटर के लिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। चेटरली ने इन विश्व धड़कन वाले खेल मॉडलों के वेरिएंट तैयार किए और आइल ऑफ मैन टीटी में रेसर्स के बीच लोकप्रिय हो गए। आज फर्म को एए पेट्रोल मोटरसाइकिलों और साइडकार्स के निर्माण और आपूर्ति के अपने दीर्घकालिक अनुबंध के लिए शायद सबसे अच्छी तरह याद किया जाता है। उद्धरण वांछित 1920 के दशक के अंत या 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी में डीकेडब्ल्यू ने सबसे बड़े निर्माता के रूप में पदभार संभाला। 1950 के दशक में रेसिंग मोटरसाइकिलों के विकास में सुव्यवस्थितता ने बढ़ती भूमिका निभानी शुरू की और डस्टबिन फेयरिंग ने मोटरसाइकिल डिजाइन में आमूलचूल परिवर्तन की संभावना को रोक दिया। एनएसयू और मोटो गुत्सी इस विकास के अग्रभाग में थे, दोनों ही अपने समय से बहुत पहले बहुत ही मौलिक डिजाइन तैयार कर रहे थे। एनएसयू ने सबसे उन्नत डिजाइन का निर्माण किया, लेकिन 1954-1956 सीजन में 4 एनएसयू सवारों की मृत्यु के बाद उन्होंने आगे के विकास को छोड़ दिया और ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग को छोड़ दिया। मोटो गुत्सी ने प्रतिस्पर्धी रेस मशीनों का उत्पादन किया और 1957 के अंत तक इसका उत्तराधिकार था। जीत अगले वर्ष 1958 में सुरक्षा चिंताओं के आलोक में FIM द्वारा पूर्ण बाढ़े परियों को रेसिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
1960 के दशक से 1990 के दशक तक छोटी टू स्ट्रोक मोटरसाइकिलें दुनिया भर में लोकप्रिय थीं। आंशिक रूप से 1950 के दशक में पूर्वी जर्मन MZS वाल्टर कार्डेन के इंजन के काम के परिणाम स्वरूप आज की तारीख 21वीं सदी में मोटरसाइकिल उद्योग पर मुख्य रूप से भारतीय और जापानी मोटरसाइकिल कंपनियों का दबदबा है। बड़ी क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के अलावा छोटी क्षमता 300 सीसी से कम मोटरसाइकिलों में एक बड़ा बाजार है, जो ज्यादातर एशियाई और अफ्रीकी देशों में केंद्रित है और चीन और भारत में उत्पादित है। उद्धरण वांछित एक जापानी उदाहरण 1958 होंडा सुपर है क्यूब, जो अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला वाहन बन गया। अप्रैल 2008 में इसकी 60 मिलियन इकाई का उत्पादन किया गया। आज इस क्षेत्र में ज्यादातर भारतीय कंपनियों का वर्चस्व है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प दुनिया के सबसे बड़े दुपहिया वाहनों के निर्माता के रूप में उभर रहा है। इसके स्प्लेंडर मॉडल की अब तक 85 लाख से ज्यादा बिक्री हो चुकी है। अन्य प्रमुख निर्माता बजाज और TVS मोटर्स हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।